हेलो गाइस, गुमनाम बाबा इज बैक। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है GTA 6 से रिलेटेड। तो जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कवर करके बता दिया था कि GTA 6 लीक हो चुका है, जिसमें कि हैकर ने गेम्स के कैरेक्टर्स को लीक कर दिया था। तो भाई अब GTA 6 के हैकर से रिलेटेड कुछ न्यूज आ रही है कि जो हैकर था बिहाइंड GTA 6 वो जस्ट 16 ईयर ओल्ड है, मतलब कि हाँ जस्ट 16 साल का बच्चा है, जो कि FBI के अकॉर्डिंग वो UK से है और रिस्पॉन्सिबल है GTA 6 के लीक्स के लिए। और ये जो 16 साल का बच्चा है, ये लीडर है एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है लैप्सुस, जिसने कि पास्ट में और भी बड़ी बड़ी कंपनीज को टारगेट किया है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, उबर और भी बहुत सारी, जो कि आप इस ट्वीट में पढ़ सकते हैं। तो भाई ये जो 16 साल का बच्चा है, ये खाली हैकिंग से $14 मिलियन कमाता है। तो यार सच में इतने छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन साले पकड़ा गया बहुत तोड़ा जाएगा। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है फाल्गुनी पाठक और नेहा कक्कड़ से रिलेटेड। तो रिसेंटली नेहा कक्कड़ ने फाल्गुनी पाठक के एक आइकॉनिक सॉन्ग मैंने पायल है चमकाई का रीमेक किया था, जो कि ओरिजिनल सॉन्ग 9 ईयर्स पहले आया था। तो नेहा कक्कड़ के उस रीमेक से फाल्गुनी पाठक कुछ ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि रिसेंटली फाल्गुनी पाठक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर कुछ मीम्स और स्टोरीज शेयर करी कुछ लोगों की, जिसमें कि उन्होंने नेहा कक्कड़ के इस रीमेक्स को क्रिटिसाइज करा, जिसमें कि आप फाल्गुनी पाठक की एक स्टोरी देख भी सकते हैं, जो कि फाल्गुनी पाठक ने रीशेयर करी थी, जिसमें कि लिखा हुआ था, डू नॉट यूज ब्रेन एंड आर्ट टू प्रोड्यूस ऑरिजिनल कंटेंट एंड जस्ट अर्न मनी आउट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट इज अ सीरियस इशू नाउ, सॉरी फाल्गुनी पाठक मैम एंड सॉरी टू आवर चाइल्डहुड मेमोरीज दैट हैज बीन रूल्ड विद दिस क्रिंज। जिसको देख के तो भाई यही समझ आ रहा है कि फाल्गुनी पाठक कुछ ज्यादा खुश नहीं है उनके इस रीमेक से। बाकी इस सॉन्ग के रीमेक को देख के तो यही लग रहा है कि ये सॉन्ग फेल हो चुका है ऑडियंस को इम्प्रेस करने में। बाकी अगर आपने ये सॉन्ग सुना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा लगा। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि एक इंस्पिरेशन है आज के यंगस्टर्स के लिए। तो एक यंगेस्ट सेल्फ मेड वुमेन एंटरप्रेन्योर है इंडिया की, जो कि को फाउंडर है कन्फ्लुएंट एंड स्टडीड कंप्यूटर साइंस एट जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, जिनका नाम है नेहा नारकेड़ी एंड उनकी एज है 37 ईयर्स की। तो भाई अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनमें ऐसी क्या बात है कि ये इंस्पिरेशन है आजकल के यंगस्टर्स के लिए। तो नेहा की जो अब तक की एस्टिमेटेड वेल्थ है वो है अराउंड 4700 करोड़ की, सो दैट्स व्हाई शी इज द इंस्पिरेशन फॉर मेनी। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है वुमेन IPL से रिलेटेड। तो अब तक का मोस्ट अवेटेड वुमेन IPL पूरा सेट है स्टार्ट होने के लिए अर्ली बाय 2023 में, इसमें कि टूर्नामेंट के अंदर 6 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी। एंड वुमेन्स IPL के इस न्यूज को कंफर्म करते हुए सौरभ गांगुली ने बताया, दी BCCI इज करंटली वर्किंग ऑन दी वुमेन्स IPL एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट दी फर्स्ट सीजन अर्ली नेक्स्ट ईयर। जिसका मतलब कि फुल कंफर्म है कि वुमेन्स IPL स्टार्ट होगा। तो सही में यार, पर्सनली BCCI ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है वुमेन्स क्रिकेट के इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर, क्या आप एक्साइटेड हो वुमेन्स IPL के लिए? बाकी पर्सनली मैं तो पूरा एक्साइटेड हूँ। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा फनी भी है। तो उस वीडियो के अंदर दो JCB रोड के ऊपर सर्कल क्रॉस खेल रहे हैं, मतलब कि जीरो काटा खेल रहे हैं। तो पहले आप उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप देख लो। तो सही में यार, JCB और JCB ओनर्स कोई भी मौका नहीं छोड़ते हमको एंटरटेन करने के लिए। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल लेटेस्ट और ट्रेंडिंग सोशल मीडिया न्यूज के साथ।